different slogans. Today I'm going to tell you about different slogans used by different political parties. First of all, 1971, which slogan was used by political party in 1971? Bribe it out. And this slogan was used by Congress party, Indira Gandhi, under the leadership of Indira Gandhi, Bribe it out, remove poverty. In which elections? Lok Sabha elections. Then again in 1977, Janata party used the slogan save democracy. Save democracy under the leadership of Jayaprakash Narayan. Ab elections kaun se hain? Lok Sabha elections. Is it clear? Again in 1977 ki agar baat kare to fir dobara elections kahan pe? State assembly elections. Left front. ठीक है, किन्होंने दिया? लेफ्ट फ्रंट वालों ने. विच स्लोगन? लैंड टू द टिलर. लेफ्ट फ्रंट मींस कम्युनिस्ट पार्टीज, जो कि किसके लिए वर्क करती हैं? मोस्टली पीजेंट्स एंड वर्कर्स, लेनिन वाली पार्टीज, जो लेनिन के व्यूज को लेके चलती हैं, कार्ल मार्क्स एंड लेनिन. लेफ्ट फ्रंट वालों ने स्लोगन दिया लैंड टू द टिलर. ठीक है, ये कौन से इलेक्शन थे? असेंबली इलेक्शन ऑफ विच स्टेट? इन 1983 में आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन. एंड स्लोगन क्या दिया गया वहां पे? प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, याद है? एंड उसमें स्लोगन क्या था? प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज. दिया किसने? एंटी रामाराव. ही वाज द लीडर ऑफ तेलुगु देशम पार्टी. एंड इलेक्शंस कौन से थे? स्टेट असेंबली इलेक्शंस ऑफ आंध्र प्रदेश. तो दीज वर द स्लोगन्स यूज्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज व्हाइल कैंपेनिंग. अब कैंपेनिंग जो है क्यों होती है? टू अट्रैक्ट द वोटर्स टू आप कहोगे मोल्ड पब्लिक ओपिनियन इन द फेवर. एंड एवरी कैंडिडेट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव गिवन राइट टू डू कैंपेनिंग. कैंपेनिंग 48 आवर्स पहले, जिस दिन इलेक्शंस होने होते हैं, मींस टू डेज बिफोर बंद हो जाती है. व्हाइल डूइंग कैंपेनिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू फॉलो सम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इशू कौन करता है? इलेक्शन कमीशन. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच द पार्टी एंड कैंडिडेट्स हैव टू फॉलो. अब उसमें वो क्या क्या करना होता है? वोटर्स को क्या नहीं देनी होती? ब्राइब. वोटर्स के ऊपर कोई आउटर प्रेशर नहीं डालना होता. कैंडिडेट्स कांट डिमांड वोट इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. रिलीजियस प्लेसेस नहीं यूज कर सकते फॉर कैंपेनिंग. नो सेक्रेट सिंबल्स, किसी ऑनर की दीवार पे अपने स्लोगन स्टिकर्स वगैरह नहीं लगा सकते विदाउट हिज परमिशन. ठीक है, और इस वे से जब पार्टीज और साथ में गवर्नमेंट मशीनरी भी मिसयूज नहीं कर सकते. So these are the rules and regulations which the candidates or parties have to follow before elections while doing campaigning. Campaigning mein aap slogans bhi likh sakte ho. Separate question can be asked in the paper. Write the slogans used by different political parties. Chaudhary Devi Lal ka yaad hai, uska promise usne kya kiya tha? Ki agar aap use power mein laoge, then he would waive the loans of the farmers and small businessmen. Is it clear? Ab main baat karu. इंडिया में इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव. यस, इन इंडिया इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव. इट्स नॉट द आप कहोगे कि एवरीवन कांट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, ओनली रिच कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, है ना? ये एक ड्रॉबैक तो है कि ओनली रिच कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बिकॉज इन इंडिया इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव. बट फिर हम कहेंगे कि इलेक्शंस क्या आपको कहा जाए कि इलेक्शंस ना करवाओ, डेवलपमेंट पे खर्चा कर दो? नो, आप कहोगे इलेक्शन शुड बी हेल्ड एंड दे मस्ट बी हेल्ड एट फिक्स टेन्योर बिकॉज इट्स अ मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. तो गवर्नमेंट को ये कंडक्ट करवाने ही है. फिर आप बताओ कि गवर्नमेंट हैज स्पेंट 3500 करोड़ रुपीस ऑन द इलेक्शंस. इफ वी सी द एवरेज ऑफ दिस 3500 करोड़ रुपीस, देन इट इज ओनली 500 रुपीस ऑन पर वोटर एंड वैल्यू ऑफ 500 रुपीस इज नॉट मोर एज कम्पेयर टू अवर सिविल लिबर्टीज. इफ कंट्री इफ इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड, कंट्री वुड नॉट रिमेन डेमोक्रेटिक. नो सिविल लिबर्टीज आर गिवन टू द सिटीजंस. तो इस वजह से आप सारा ये बताओगे कि सिविल लिबर्टीज की वैल्यू ज्यादा है, हमारी 500 रुपीस की कोई वैल्यू नहीं. उतना तो आप पिज्जा ही वो सब कुछ खा जाते हो दिन में, तो 500 रुपीस की नो वैल्यू बिफोर सिविल लिबर्टीज. ठीक है, फिर आप बताओगे कि इफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कॉमनवेल्थ गेम्स पे 20,000 करोड़ रुपीस खर्चा कर सकती है, ठीक है, एंड गवर्नमेंट स्पेंड 3,000 करोड़ रुपीज ऑन आप कहोगे सबमेरीन, टू बाय सबमेरीन, देन वाई नॉट ऑन इलेक्शंस विच इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. तो इस वे से आपने कभी भी इलेक्शंस को रिजेक्ट नहीं करना. कुछ भी हो जाए आपने यही कहना है कि इलेक्शंस होने ही चाहिए एंड दे मस्ट बी हेल्ड एट फिक्स्ड टेन्योर. कुछ भी लाइन की स्टेटमेंट बना दे कि कंट्री डेवलप्ड हो जाएगी, ठीक है, तो इलेक्शंस पे खर्चा ना करे, एक साल गवर्नमेंट अगर ना करे डेवलपमेंट पे लगा दे,
तब भी आपने कहना इलेक्शन शुड बी हेल्ड, डेवलपमेंट अलग बात है बट इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड, ठीक है। एक तो ये, अगर मैं पूछूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो उसमें यही कहोगे क्या? नहीं, नहीं होनी चाहिए, यही कहना है ना? कोई ये तो नहीं कह देगा कि होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर ना, इतना सब कुछ आ गया। नेक्स्ट, अब मैं कहूँ काउंटिंग सेंटर्स, है ना, जब वोटर्स, अब वोटर्स की वोट डलवाते हैं, चलो पूरा उसका प्रोसेस, अब आ गया इलेक्शन, कैंपेनिंग हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स, मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ पूरा वोटिंग का, ठीक। अगर आपको पेपर में आ जाए राइट द प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर लिखो, तो आपने कहना है सबसे पहले कैंडिडेट को कौन सेलेक्ट करता है? पॉलिटिकल पार्टी। टिकट देते हैं कार्ड पार्टी अपने कैंडिडेट को। अब वो कैंडिडेट क्या फिल करता है? नॉमिनेशन पेपर, ठीक है। नॉमिनेशन पेपर फिल करने के बाद वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है, पार्टी अपना मैनिफेस्टो इश्यू करती है, पॉलिसीज प्रोग्राम्स उसमें देती है पार्टी, ये सब कुछ बताओ। कैंपेनिंग हो गई, स्लोगन्स हो गए, ये सब आप कर चुके हो ना, ये सब कुछ होता है। फिर आप बताओ कि ऑन द डे ऑफ इलेक्शन अब वोटर्स किधर जाएंगे? पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ जाएंगे। अब वहां पे जाके क्या करेंगे? कास्ट देयर वोट। इन इंडिया ईवीएम आर यूज दीज डेज फॉर वोटिंग, एंड ईवीएम की फुल फॉर्म सबको आती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फिर आप बताओ कि वोटिंग इन इंडिया इज डन बाय सीक्रेट बैलेट, नो वन एक्सेप्ट वोटर नोज इन हूज फेवर ही और शी हैज कास्टेड हिज वोट। इतना सब कुछ आता है, आप कितनी बार मैं आपको ये करवा चुकी हूँ। फिर आप बताओ कि वो ये ईवीएम जो होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं? काउंटिंग सेंटर्स, जहाँ पे जाके प्रॉपर वोटिंग काउंट, वोट्स काउंट होते हैं। काउंटिंग सेंटर्स में एजेंट्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट होते हैं, या फिर कहीं जगह कैंडिडेट भी होता है। कैंडिडेट हर जगह तो जा नहीं सकता, तो कैंडिडेट सेंड देयर एजेंट्स, अपने एजेंट्स भेज देते हैं। वोटिंग काउंटिंग इज डन बिफोर द एजेंट्स ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, उनके सामने काउंटिंग होती है ताकि कोई चीटिंग ना हो। कैंडिडेट दैट गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड और विनर, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो क्या बन जाता है? विनर एंड डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, वो इलेक्ट हो जाता है। अब इफ इन सम एरिया रिगिंग इज डन, ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्शन, देन पीपल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन फाइल अप अ पिटीशन इन द कोर्ट, वहां कोर्ट में पिटीशन फाइल अप कर दिया जाता है। अगर तो वो सारी ऑब्जेक्शन जो जो लोगों ने लगाई है फाउंड करेक्ट बाय द कोर्ट, देन रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो जो रिजल्ट होता है दैट इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन, एंड इलेक्शन कमीशन कैन कंडक्ट इलेक्शन इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी अगेन, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कमीशन दोबारा इलेक्शन कंडक्ट करवा सकता है। जिस एरिया में रिगिंग हो जाए, बूथ कैप्चरिंग हो जाए, उस एरिया का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता, इलेक्शन कमीशन उसे रोक लेता है, एंड दैट इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन आर हेल्ड अगेन, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन दोबारा करवाए जाते हैं। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अब आ गया इंडिपेंडेंट, जब आप करते हो ना व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक या फ्री एंड फेयर, तो उसमें आप ये भी बात बता सकती हो कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन वो भी तो इसको इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाते हैं, फ्री एंड फेयर बनाते हैं, कि इन इंडिया वी आर हैविंग इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, हमारा इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट। आपको पता है पहले सिर्फ कंट्री का होता था, अब 1994 में उन्होंने स्टेट्स के भी बना दिए, हर स्टेट में जब इलेक्शंस होने हैं, अभी पंजाब के इलेक्शन होंगे तो देखना हमारी स्टेट का इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन कैसे फंक्शन कर रहा है। अभी वो भी फंक्शन कर रहे हैं अपने, क्योंकि इलेक्शन तो सर पे है, तो इलेक्शन कमीशन जो हमारा स्टेट का दैट इज डूइंग इट्स वर्क। आपकी जनरल नॉलेज के लिए ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स, कि हमारे पंजाब स्टेट का कौन इलेक्शन कमिश्नर है, कौन उसके दो हेल्पर है, ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम्स, ठीक है, तो किन्होंने इसको इलेक्ट किया, ये सारा आपकी जनरल नॉलेज के लिए। और पंजाब के वैसे भी आपको रिजल्ट नोट डाउन करने हैं कि कौन सी पार्टी ऑपोजिशन कितनी वोट सीट्स लेके जाती है, रूलिंग पार्टी कितनी सीट्स लेके जाती है, इंडिपेंडेंट क्या कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, क्या बनता है पंजाब में, सब आप नोट करना, ठीक है।